कानपुर में एक रेप पीड़िता ने फांसी लगा ली है। जी हाँ, अपने बहन के घर पर रेप पीड़िता ने फांसी लगा ली है क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। इंसाफ की उम्मीद शायद उसकी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए खुद को फांसी लगा ली। उसकी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, कई शिकायतें थी और इन शिकायतों से तंग आकर रेप पीड़िता ने फांसी लगा ली। कानपुर का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। रूरा थाना क्षेत्र के सरवा गांव की ये घटना जो है वो बताई जा रही है। लगातार एक के बाद एक यूपी में ही हम देख रहे हैं। उन्नाव की ही केवल बात कर ले तो 11 महीने के भीतर 85 ऐसे मामले हैं कि रेप के केवल 85 मामले। तो आप समझ लीजिए कि क्या भयावह स्थिति है। और इस तरह से कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि कानून का डर अब जो है वो यूपी में कायम हो रहा है। तो 2.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जरा इन सवालों के जवाब आप देंगे कि कैसे एक रेप पीड़िता, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, किस मानसिक प्रताड़ना से उसे गुजरना पड़ता है कि फांसी लगाना उसको मंजूर है। एक सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए दम तोड़ देती है और दूसरी लड़की फांसी लगा लेती है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इस पर भी पार्टियों को सियासत चमकाने का एक बहाना मिल जा रहा है। क्या दोष था उस लड़की का? रेप पीड़िता थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है और ये राजघाट की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों किया गया था, जंतर मंतर पर 5 बजे तक अलाउ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए स्वाति मालीवाल को वहाँ से हटाया गया था। फिर उन्होंने राजघाट के पास स्वाति मालीवाल आमरण अनशन अभी भी जारी रखे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सिर्फ दिल्ली की तस्वीर नहीं है, तमाम राज्यों से उठा लीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात कि अगर जन आंदोलन की तरह लोग गुस्से में हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो लगातार एक के बाद एक मामले सामने कैसे आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे सरकारें और क्या हमारा सरकारी तंत्र, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारे पुलिस प्रशासन, ये सब ठप हो चुका है। सिस्टम पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। अब किसी को न्याय की उम्मीद नहीं बची है। शायद पिस्टल ही अब इंसाफ करेगी, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं एनकाउंटर में खुशी तलाशने लगे थे। ये देखिए, कानपुर में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बहन के घर में उसने फांसी लगाई, पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। और यही हुआ था उन्नाव की इस गैंगरेप पीड़िता के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो FIR लॉन्च की गई थी। ये देखिए जन आक्रोश, ये आंदोलन उन्नाव को लेकर, और स्वाति मालीवाल जो धरना प्रदर्शन कर रही है उसको सपोर्ट करते हुए सब कह रहे हैं कि अब जागने की ज़रूरत है देश को, देश जाग जाए, वरना इस तरीके से आप सुरक्षा प्रदान करेंगे? प्रधान सेवक जी, क्या इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्या कहते हैं कि आपने कानून का डर कायम किया है? खुद कहते हैं सरकार में बैठे मंत्री कि कानून का डर होना चाहिए, और डर जब होता है तब इंसान फॉलो करता है रूल्स। ये नितिन गडकरी ने जब अभी ट्रैफिक को लेकर नियमों में बदलाव किया गया था और उनसे पूछा गया था तो कहते डर होना ज़रूरी है, तभी तो आप नियमों का पालन करेंगे। तो डर कैसा होना ज़रूरी है? क्या देश की आधी आबादी डर में जिंदा रहे कि कल उस पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया जाएगा, जलाने से पहले उसकी आबरू को नोचा खसोटा जाएगा? सरकारें जो है वो सुनती रहेंगी, बहरी हो चुकी हैं या इनकी संवेदनाएँ मर चुकी हैं। और जब भी कैंडल मार्च निकलेगा या जब भी कार्यकर्ता जो बाहर आएंगे पार्टी लाइन पर ही बोलेंगे, उन्नाव में ही बोलेंगे कि हैदराबाद में भी बोलेंगे, मालदा में भी बोलेंगे, बिहार में भी बोलेंगे। ये तमाम राज्य हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल हर फ्रंट पर विफल है, मजबूर कर रही है। देखिए नक्सलवाद क्यों पनपा, ये इसके अगर तह में जाएंगे तो नक्सलवाद अगर पनपा है तो इसी तरह मान लिया था कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, ये डिफरेंस हम कभी भर नहीं सकते, इसीलिए हथियार उठा लिया। हम खुद अपने ही अंदर, देश के अंदर ये लड़ाई झेल रहे हैं, नक्सलवाद से हम प्रभावित हैं। लेकिन एक और उसी ओर ढकेल रही है सरकार। जब पुलिस एनकाउंटर करती है हैदराबाद में 4 आरोपियों के, तो उन्हें कंधे पर बिठाया जाता है। सिंघम के तर्ज पर वहाँ पुलिस ने एनकाउंटर किया और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गई, फूल बरसाए गए। अब हम थक चुके हैं कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो हमारी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, हमें न्याय नहीं मिल सकता।